हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 4B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 4C। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फाइनल प्राइस। आपको फाइनल प्राइस फाइंड करना है हर पार्ट में। तो यहाँ पर हम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो टैक्स कैलकुलेट करके आपको फाइनल प्राइस बताना है। तो फाइनल प्राइस क्या होता है? फाइनल प्राइस सबसे पहले आपको बताना चाहिए, फाइनल प्राइस हम किसे कहते हैं? फाइनल प्राइस जो होती है वो होती है सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स, SP प्लस टैक्स हम फाइनल प्राइस को कहते हैं। जैसे आपने कोई भी थिंग परचेज करी, जैसे कि फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट में आप गोल्ड रिंग परचेज कर रहे हैं जिसकी मार्क्ड प्राइस कितनी है, 13,000 है। तो क्वेश्चन में बोला है मार्क्ड प्राइस ऑफ ए गोल्ड रिंग इज़ 13,000 रुपीज़। मार्क्ड प्राइस वो होते हैं जो आपके थिंग के ऊपर लिखे हुए होते हैं, जो उस पर मार्क्ड MRP लिखी रहती है बॉक्स के ऊपर, ये उतने रुपीज़ हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कहीं पे भी डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं कहा है, यानी डिस्काउंट यहाँ पर शॉपकीपर आपको 0% दे रहा है, यानी आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा। और जब आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो आपको शॉपकीपर कितने की सोल्ड करेगा? सेम प्राइस की सोल्ड करेगा जितने रुपीज़ उस पर MRP डली हुई थी, यानी 13,000। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, गोल्ड रिंग परचेज करी जा रही है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में मार्क्ड प्राइस 13,000 दिया था और क्वेश्चन में टैक्स दिया है 12%। डिस्काउंट के बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। तो MRP जो चिट के ऊपर लिखे हुए थे स्लिप के ऊपर, वो कितनी कॉस्ट लिखी हुई थी? 13,000 रुपीज़। और डिस्काउंट शॉपकीपर ने कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए मैंने यहाँ डिस्काउंट 0% बताया। तो डिस्काउंट 0% है, यानी शॉपकीपर ने सोल्ड कितने की करी है? SP वो 13,000 की ही सोल्ड करी है। अब टैक्स की बात करें तो टैक्स यहाँ पर कितना सबमिट होगा? 12%। तो आपको यहाँ पर टैक्स जो है 12% ऑफ सेलिंग प्राइस लेना है। आपको याद रखना है टैक्स जो है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। मार्क्ड प्राइस कितनी है उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर हमने कुछ डिस्काउंट लेकर अगर परचेज करी होती तो उसमें सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस डिफरेंट आती। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये जो दोनों हैं वैल्यूज़, ये सेम है। क्यों है सेम? क्योंकि क्वेश्चन में डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बताया, यानी नो डिस्काउंट शॉपकीपर इज़ गिविंग। तो जब शॉपकीपर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो यहाँ पर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर ले ली हमने। अब टैक्स जो है 12% वो सेलिंग प्राइस पर देना होता है। तो 12% किसका निकला का यहाँ पर? 12% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको यहाँ 13,000 दी है, तो 13,000 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे, 12% हटा के अपॉन में 100 लेंगे, मल्टीप्लाई होता है ऑफ का मतलब 13,000। लास्ट टू जीरोज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ टैक्स कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, मल्टीप्लाई करके। आपको यहाँ 12 और 13 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 12 × 13 हो जाएगा 156। और ये जो लास्ट की ज़ीरो रह रही थी वो लास्ट में लगा देंगे। तो 1,560 रुपीज़ आपको टैक्स पे करना है, किसको? गवर्नमेंट को। तो टोटल जो प्राइस बैठेगा, फाइनल प्राइस जो हमें यहाँ फाइंड करने के लिए कहा था, हम यहाँ लिख देते हैं फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस किसका? गोल्ड रिंग का। वो क्या होगा आपका? सेलिंग प्राइस भी आपको पे करना है प्लस टैक्स भी आपको पे करना है। सेलिंग प्राइस मीन्स कितने रुपीज़ की वो रिंग हमने परचेज करी थी। तो 13,000 रुपीज़ उसके ऊपर लिखे हुए थे और डिस्काउंट हमें शॉपकीपर ने नहीं दिया था, तो इसलिए हमने 13,000 की ही परचेज़ करी थी। और उसमें आपको टैक्स जोड़ देना है। टैक्स कितना है? 1,560 रुपीज़, ये गवर्नमेंट को जमा होगा। तो जब आप इन्हें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 14,560। तो यहाँ पर आपने फाइनल प्राइस फाइंड कर लिया, 14,560 रुपीज़, यूनिट डाल देते हैं रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह आपको सारे पार्ट्स इसके करने हैं। मैं आपको एक पार्ट और बता देता हूँ, फिफ्थ पार्ट और देखें। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फाइनल प्राइस। आपको फाइनल प्राइस बतानी है। फाइनल प्राइस क्या होती है? जो जो आप थिंग परचेज कर रहे हो उसकी भी मनी, और साथ में आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता है वो भी। तो फाइनल प्राइस में
सेलिंग प्राइस भी लेंगे प्लस टैक्स भी लेंगे। तो यहाँ पर एक लग्जरी वैन परचेज़ कर रहे हैं हम, उस पर मार्ट प्राइस कितने लिखे हुए हैं 26 लाख। लग्जरी वैन परचेज़ कर रहे हैं, मार्ट प्राइस इक्वल टू 26 लाख। तो यहाँ क्वेश्चन में डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया है, टैक्स दिया है, बट डिस्काउंट कितना है, नो डिस्काउंट इज़ गिवन। दैट मीन्स आपको जो वैन मिल रही है वो कितने की मिल रही है, वो आपको सेम प्राइस की मिल रही है, क्योंकि शॉपकीपर हमें डिस्काउंट नहीं दे रहा। इसलिए सोल्ड कितनी करी है शॉपकीपर ने, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 26 लाख। तो जितने रुपीस उसके ऊपर लिखे हुए थे उतने रुपीस की ही शॉपकीपर हमें सोल्ड कर रहा है, और डिस्काउंट 0% है। अब टैक्स की बात करें, टैक्स जो है वो 28% है। तो टैक्स जो है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। मैंने यहाँ भी आपको बताया था टैक्स हमने क्या निकाला था, 12% दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो 12% किस पर लगा था, वो सेलिंग प्राइस पे लगा था। तो यहाँ पर भी आप टैक्स जो है वो 28% ऑफ सेलिंग प्राइस लेंगे। सेलिंग प्राइस क्या है, 26 लाख। परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100 लेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 26 लाख। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, जीरोस कट कर लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की 2 जीरोस मल्टीप्लाई करना है आपने 28 को और 26 को। तो 28 इंटू 26 जब आप करेंगे तो 728 मिल जाएगा आंसर, और जो लास्ट की 3 जीरो बची वो लास्ट में आ जाएंगी। तो दिस मच रुपीज़ आपको टैक्स पे करना है, 7,28,000। अब फाइनल प्राइस क्या बनेगा वैन का, फाइनल प्राइस में आपको जो चीज़ आप परचेज़ कर रहे हो उसको के पैसे भी देने हैं, यानी यहाँ पर जो सोल्ड करी थी शॉपकीपर ने वो वैन सोल्ड करी थी इतने रुपीस की, तो ये रुपीस तो आपको देने ही हैं सेलिंग प्राइस, प्लस आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी जमा करना है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 26 लाख प्लस टैक्स है 7,28,000। तो आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8,072, ये हो गया 33,28,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल प्राइस वैन का। तो वैन परचेज करने के टाइम पर हमें कितनी मनी सबमिट करनी है, फाइनल प्राइस इतने रुपीज़। ये ज़्यादा हो गए, क्यों ज़्यादा हो गए, क्योंकि वैन जो थी वो 26 लाख की थी, तो शॉपकीपर ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो ये 26 लाख तो आपको देने ही देने हैं, क्योंकि आप वैन परचेज कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है। तो ये सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स जब आप करेंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल प्राइस ऑफ द वैन। तो फाइनल प्राइस आपको याद रखना है, फाइनल प्राइस इज़ द जो आप थिंग परचेज कर रहे हो उसकी भी प्राइस, उसकी मनी प्लस आपको टैक्स भी देना है। तो उन दोनों को ऐड करके फाइनल प्राइस मिल जाता है। तो इस तरह से ये सारे पार्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 के करने हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, इफ़ 5% टैक्स इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइजेस। यहाँ पर आपको बहुत सारे पार्ट दिए हैं, ए टीवी इज़ बॉट फॉर 13,125, ये क्या है, प्राइस ऑफ द टीवी। अगले क्वेश्चन में है, पेंसिल बॉक्स इज़ बॉट फॉर 84, ये क्या है, प्राइस ऑफ द पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राइस ऑफ बॉटल ऑफ शैम्पू दिया है, प्राइस ऑफ कैलकुलेटर दिया है, प्राइस ऑफ वॉच दी है। तो यहाँ पर जितनी भी प्राइजेस दे रखी हैं उसमें 5% टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड हुआ हुआ है। तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट में प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, या फिर आप लिख दें प्राइस आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स भी लिख सकते हो या प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स भी लिख सकते हो। प्राइस जो टैक्स ऐड करने के बाद है वो कितनी है, 13,125 रुपीज़। ये जो हमें 13,125 दिया है ये टैक्स लगने से पहली वाली वैल्यू नहीं है, ये टैक्स लगने के बाद वाली वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन की हेडिंग में सबसे पहले ये लिखा था कि 5% टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइजेस। तो जो भी आपको प्राइजेस दी हुई हैं उसमें आपको ऑलरेडी 5% टैक्स ऐड करके दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू दी थी ये टैक्स लगने के बाद वाली वैल्यू है, 5% टैक्स इसमें जुड़ा हुआ है। अब फाइंड द प्राइस बिफोर टैक्स, आपको फाइंड क्या करना है, प्राइस बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट द प्राइस
मान लेते हैं बिफोर टैक्स जो प्राइस है, लेट द प्राइस बिफोर टैक्स इज एक्स रुपीज़। अब फाइनल प्राइस जो होता है, प्राइस आफ्टर टैक्स, वो शॉपकीपर कैसे बनाता है बिल, हम यहाँ फाइंड करेंगे प्राइस आफ्टर टैक्स। तो टैक्स लगने के बाद प्राइस कैसे होता है, जो सेलिंग प्राइस होती है यानी टैक्स लगने से पहले वाली वैल्यू प्लस टैक्स। तो हमें यहाँ पर प्राइस आफ्टर टैक्स के लिए ये फार्मूला याद रखना है, प्राइस आफ्टर टैक्स इज प्राइस बिफोर टैक्स। आप यहाँ प्राइस आफ्टर टैक्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो प्राइस बिफोर टैक्स है उसमें आप ऐड अप कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, टैक्स ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे प्राइस बिफोर टैक्स, हमने यहाँ एक्स मान रखा है और उसमें ऐड कर देंगे टैक्स। टैक्स कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था 5% टैक्स जुड़ा हुआ है हर पार्ट में, तो हर पार्ट में आपको 5% लेना है टैक्स में। तो प्राइस बिफोर टैक्स कितनी थी, एक्स थी, और उसमें ऐड अप कर देंगे 5% टैक्स। तो 5% किसका लेना है, जिसमें ऐड करा जा रहा है उसी का 5% लेना है। तो एक्स प्लस 5% हटा के अपॉन में 100 लेंगे इनटू एक्स। तो ये सॉल्व करेंगे आप तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 5x अपॉन 100, एलसीएम वी विल टेक, तो ये आ जाएगा 105x अपॉन 100। तो ये 5% टैक्स यहाँ पर हमने ऐड कर दिया और ये बना दिया क्या, प्राइस आफ्टर टैक्स। तो ये प्राइस आफ्टर टैक्स हमने बनाई है, बट क्वेश्चन में भी बोला था कि प्राइस आफ्टर टैक्स कौन है, 13,125। तो ये लेफ्ट हैंड पे आप यूज़ करेंगे 13,125, यहाँ पर भी हर स्टेप में इसे नोट कर दें 13,125। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, एक्स को फाइंड करने के लिए आप 100 ऊपर लाएँ, 13125 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 105 इक्वल में आपका एक्स रह जाएगा। अब आप इन्हें कट कर सकते हैं, दोनों को 5 के टेबल से भी कट कर सकते हैं या बड़े टेबल से भी कट कर सकते हो। तो 13,125 है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 105 से तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, या फिर आप 5 के टेबल से कट कर लें, मैं इसे पूरा पूरा कट कर देता हूँ, ये 125 टाइम्स कट जाएगा। आप छोटे टेबल से भी कट कर सकते हो, पहले 5 के टेबल से दो बार कट कर लें, फिर दोबारा जितना कट हो सकता है उतना कट करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें और एक्स फाइंड कर लेंगे हम। तो एक्स का आंसर जो बना यहाँ, एक्स इज इक्वल टू 125, और ये जो लास्ट के दो जीरो रह गई ये भी लिख देंगे। तो 12,500 रुपीज़ आपका एक्स का आंसर आ गया, यानी प्राइस बिफोर टैक्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह आपको बाकी पार्ट्स भी करने हैं, मैं आपको एक पार्ट और समझा देता हूँ, डेसिमल वाला समझाता हूँ। ये डेसिमल है, पार्ट नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन की हेडिंग क्या थी, वो तो आपको हर पार्ट में पढ़नी है। इन्होंने बोला था इफ़ 5% टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइसेस, जो आपको फोर्थ पार्ट में प्राइस दी गई है, कितनी दी गई है, 508.20, इसमें 5% टैक्स पहले से जुड़ा हुआ है ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो ये जो पैसे हैं ये प्राइस आफ्टर टैक्स है, टैक्स लगने के बाद जो कीमत है। तो प्राइस आफ्टर टैक्स कितनी है, 508.20। तो ये हो गया टैक्स लगने के बाद की कीमत। और फाइंड क्या करना था, फाइंड द प्राइस बिफोर टैक्स। तो आप क्या करेंगे, लेट द प्राइस बिफोर टैक्स मान लेते हैं टैक्स जब तक नहीं लगा था उससे पहले की कीमत, लेट द प्राइस बिफोर टैक्स मान लो टैक्स लगने से पहले जो कीमत थी वो कितनी थी, एक्स रुपीज़। टैक्स कितना है, 5%, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आप यहाँ प्राइस आफ्टर टैक्स खुद बनाएंगे, यहाँ ऑलरेडी हमें पता है कि टैक्स लगने के बाद 5% टैक्स जुड़ने के बाद कितनी कीमत थी, वो क्वेश्चन में दे रखी थी। तो प्राइस आफ्टर टैक्स, टैक्स लगने के बाद जो प्राइस है वो कितनी है, वो कैसे बनाएंगे हम। ऑलरेडी हमें मालूम है कि प्राइस आफ्टर टैक्स जो है वो ये है, बट हम फिर भी अपने हिसाब से बनाते हैं। हमारे हिसाब से प्राइस आफ्टर टैक्स क्या होती है, जो टैक्स से पहले की कीमत है यानी कि एक्स रुपीज़, उसमें जोड़ देंगे टैक्स की वैल्यू। टैक्स की वैल्यू क्या है, 5%।
तो एक्स में जोड़ देंगे 5% ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ प्राइस आफ्टर टैक्स फाइंड करने के लिए जो टैक्स से पहले वाली कीमत थी उसमें 5% टैक्स को ऐड कर दिया, तो एक्स प्लस 5x/100 बना। और जब आपने एलसीएम लिया तो 105x/100 हो गया। तो इन्हें ऐड करने के बाद ये जो प्राइस आई, ये टैक्स लगने के बाद वाली वैल्यू आई जो हमने खुद बनाई। तो टैक्स लगने के बाद वाली वैल्यू एक क्वेश्चन में भी दी थी। क्वेश्चन में देखेंगे अगर आप प्राइस आफ्टर टैक्स, तो वो हमें मालूम है। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड जो खाली पड़ी है प्राइस आफ्टर टैक्स के नीचे, वहाँ हम ये वैल्यू यूज़ करें 508.20, 508.20। अब प्राइस आफ्टर टैक्स के नीचे वैल्यू आ गई। आपने यहाँ प्राइस बिफोर टैक्स में ऐड करके भी दिखा दिया 5% टैक्स को। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, डेसिमल हटा के पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो 2 0 ले लेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड के डिनोमिनेटर में 100 है और जो राइट हैंड के डिनोमिनेटर में 100 है, हम इसे पूरा पूरा कैंसिल कर देंगे, क्योंकि फुल डिनोमिनेटर में जब होता है तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड में भी पूरे में डिनोमिनेटर में था और राइट हैंड में भी। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, एक्स को अकेले बनाएंगे, 105 लेफ्ट हैंड पे ले आए। तो क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा 508.20/105 इक्वल में क्या रह जाएगा, एक्स। तो हम इन दोनों को अब डिवाइड करेंगे और फाइनली एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 508.20, ये हो जाएगा आपका 508.20/105। तो इन्हें डिवाइड करके जो बनेगा वो बनेगा 484। पूरा पूरा कट हो जाएगा। आप 4 5 के टेबल से भी कट करके कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली कट कर दिया यहाँ 484 टाइम्स। तो फाइनली एक्स का जो आंसर आया वो आया 484। ये एक्स क्या आया, एक्स मैंने माना था प्राइस बिफोर टैक्स। जब तक टैक्स नहीं लगा था तब तक कीमत कितनी थी उसकी, तो हमने यहाँ फाइंड कर दिया 484 रुपीज़ कीमत थी उसकी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, द मार्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज़ 2400। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, हम क्लोथिंग करने कपड़े खरीदने गए मार्केट में, तो जो बॉक्स के ऊपर, क्लोथ के बॉक्स के ऊपर प्राइस लिखी हुई थी मार्ट प्राइस, वो कितनी लिखी हुई थी, 2400 रुपीज़। एंड द एक्चुअल सेलिंग प्राइस आफ्टर 12% टैक्सेस 2688। अब इन्होंने बोला है जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है आफ्टर 12% टैक्स, टैक्स को जोड़ने के बाद, वो इतनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइस आफ्टर टैक्स, टैक्स लगने के बाद क्या कीमत है, वो तो ऑलरेडी हमें गिवन है। द एक्चुअल सेलिंग प्राइस आफ्टर टैक्स इज 2688। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2688। अब प्राइस आफ्टर टैक्स मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था, कैसे देखते हैं प्राइस आफ्टर टैक्स क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता दिया था, फार्मूला भी बताया था मैंने कि प्राइस आफ्टर टैक्स बनाने के लिए आप प्राइस बिफोर टैक्स जो होता है उसमें टैक्स को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है फाइंड द टैक्स एंड रेट ऑफ टैक्स, दो चीज़ फाइंड करनी है, टैक्स भी फाइंड करना है और रेट ऑफ टैक्स भी। रेट ऑफ टैक्स ऑलरेडी आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना परसेंट, 12%। तो वो तो आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, रेट ऑफ टैक्स ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। सपोज करें अगर ये क्वेश्चन में ना गिवन होता 12%, ये होता ही नहीं, और आपसे बोला जाता कि आप फाइंड करो रेट ऑफ टैक्स कितना है, तो आप क्या करेंगे, वो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताता हूँ। तो क्वेश्चन में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर ऑलरेडी टैक्स की वैल्यू 12% दे रखी थी और क्वेश्चन में फाइंड भी करने को कहा था कि फाइंड द टैक्स एंड रेट ऑफ टैक्स। टैक्स तो रुपीज़ में हो गया और जो रेट ऑफ़ टैक्स है वो परसेंटेज पूछ रहा है यहाँ पर। रेट ऑफ़ टैक्स का मतलब आपको जो टैक्स है वो परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पर आपसे दो वैल्यू पूछी गई हैं, तो टैक्स का परसेंट जो हमें दिया हुआ था वो हमने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में वो टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो हमने जो 12% टैक्स था उसे हटा दिया है और रेट ऑफ़ टैक्स फाइंड करना है हमें। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप मार्ट प्राइस देखेंगे 2400 है, कहीं पे पूरे भी क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात नहीं हुई, यानी शॉपकीपर ने डिस्काउंट नहीं दिया। डिस्काउंट इज इक्वल टू 0%,
जब डिस्काउंट है ही नहीं तो शॉपकीपर हमें सोल्ड कितने का करेगा, जितने उसके ऊपर लिखे हुए हैं उतने का ही सोल्ड करेगा। मार्ट प्राइस कितनी है? 2,400 रुपीज़। तो सोल्ड भी कितने का करेगा? 2,400 रुपीज़ का ही शॉपकीपर सोल्ड करेगा। अब सेलिंग प्राइस आ गई आपके पास 2,400, और प्राइस टैक्स लगने के बाद जो थी वो कितनी थी? 2,688। ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें टैक्स जुड़ा हुआ हुआ है। तो बेचा है 2,400 का, तो आपको पैसे तो 2,400 देने चाहिए थे, लेकिन आप दोगे 2,688, क्योंकि इसमें हमें टैक्स भी देना होता है हर सामान परचेज करते टाइम, तो इसमें टैक्स पहले से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो टैक्स है वो कैसे फाइंड होगा। ये जो प्राइस आफ्टर टैक्स है 2,688, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो सेलिंग प्राइस है 2,400, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 288 रुपीज़। तो आपको यहाँ पता चल गया कि आपने सामान खरीदते टाइम कितना टैक्स दिया था, 288 रुपीज़ दिया था। सामान था 2,400 का और 288 रुपीज़ इससे अलग दिए, तो दोनों मिलाकर टोटल कीमत कितनी बैठ गई? 2,688 बैठ गई। अब हम क्या करेंगे, टैक्स तो आ गया। अब क्वेश्चन में बोला था फाइंड द रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो, तो आप यहाँ लेट कर लें, लेट द रेट ऑफ टैक्स इज़ एक्स परसेंट। मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं यहाँ रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि हमें यहाँ फाइंड करना था। जो दिया था ये टाइपिंग मिस्टेक थी, हमने इसे कट कर दिया है। हम खुद फाइंड करेंगे टैक्स का परसेंटेज। तो मान लेते हैं कि रेट ऑफ टैक्स जो है वो आपका कितना है? एक्स परसेंट। हमें नहीं मालूम टैक्स का परसेंटेज कितना था, जो दिया था वो क्वेश्चन मिस्टेक थी, टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स एक्स परसेंट माना। अब हम टैक्स पे करेंगे, कितना परसेंट पे करेंगे टैक्स? एक्स परसेंट। किसका एक्स परसेंट? एक्स परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस। टैक्स हमेशा SP पर लगता है। हमने सामान जितने का भी खरीदा होगा उस सेलिंग प्राइस वाली वैल्यू पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना होता है, ना कि मार्केट प्राइस वाली वैल्यू पे। तो हमें जब भी टैक्स कैलकुलेट करना होगा तो हम MP का यूज़ नहीं करेंगे, SP का यूज़ करेंगे। अब आप क्या करोगे, एक्स परसेंट हटा दोगे, तो टैक्स की वैल्यू एक्स परसेंट हटा के अपॉन में 100 इंटू सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस कितनी थी? शॉपकीपर ने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया था, तो सोल्ड उतने रुपीस की ही करी थी, 2,400 की। लास्ट टू जीरोज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाएंगी, तो टैक्स का आंसर एक्स इंटू 24 यानी 24x। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये टैक्स का आंसर हमने खुद बनाया। एक टैक्स हमने यहाँ पर भी बनाया था, अगर आप देखें है ये दोनों सेम क्वेश्चन, वैल्यूज़ भी सेम है, और आपको बस फ़र्क इतना आ गया कि यहाँ पर टैक्स रुपीज़ में था और यहाँ पर टैक्स एक्स मान के किया गया, इसलिए आंसर जो आया वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आया। बिल्कुल सेम है सब कुछ। इसमें क्या करना है, आपको टैक्स जो यहाँ फाइंड करा था वो आप यहाँ यूज़ कर लें। आपने टैक्स 24x भी निकाला और आपने टैक्स यहाँ पर 288 भी निकाला है, तो इस टैक्स के नीचे आप ये 288 वैल्यू यूज़ करेंगे और इक्वल में 24x लेंगे। ये भी टैक्स है, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स आया। ये भी टैक्स है, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं है, ये रुपीज़ में है, लेकिन है तो ये दोनों टैक्स ही। ये एक्स के टर्म्स में निकाला है और ये रुपीज़ में सिंपल निकाला है विदाउट एक्स। अब आप क्या करेंगे, 24 को डिवाइड में ले आएंगे, तो 288 डिवाइड 24 इज इक्वल टू एक्स, और जब आप इन्हें कट करेंगे तो ये पूरे पूरे कट हो जाएंगे। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। और ये एक्स कौन था? एक्स था परसेंटेज ऑफ टैक्स, तो यहाँ पर आप 12% लगा दें। तो फाइनल आंसर जो हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का, वो हो गया 12%। तो क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक क्या थी वो आप करेक्ट कर लेंगे अपनी बुक में। यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स फाइंड करने के लिए दिया गया था और फाइंड करने के लिए बोला गया रेट ऑफ टैक्स, और क्वेश्चन में 12% टैक्स दे भी रखा था, तो वो जो दी हुई वैल्यू है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, वो हमें फाइंड करनी है। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ भी बिल्कुल सेम वे में करना है। मीनू बॉट ए पेयर ऑफ सैंडल फॉर 2,576 इंक्लूडिंग टैक्स। इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, तो जिसमें टैक्स जुड़ा हुआ होता है वो कौन सी वैल्यू होती है?
प्राइस आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद वाली, जिसमें टैक्स जुड़ जाता है वो टैक्स के बाद वाली कीमत होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइस आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 2576। तो यहाँ पर हमें टैक्स के साथ मिलाकर जो कीमत बनी थी वो दी थी, तो हमने लिख दिया प्राइस आफ्टर टैक्स है ये। अब मार्ट प्राइस दे रखी है 2300, ये भी लिख देते हैं हम MP, 2000 रुपीज़ लगा के लिखेंगे 2300। ये मार्ट प्राइस है। मार्ट प्राइस क्या होता है, जो ऊपर लिखे रहते हैं सामान पर पैसे। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूरे में कहीं पर भी डिस्काउंट वर्ड नहीं आ रहा, ना डिस्काउंट की कोई वैल्यू दे रखी है, यानी शॉपकीपर हमें डिस्काउंट 0% दे रहा है, कुछ भी डिस्काउंट नहीं दे रहा। तो जब कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा वो कुछ भी डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, जो ऊपर लिखे हुए थे उतने रुपीज़ का ही वो सोल्ड कर देगा, यानी 2300 रुपीज़ का। तो यहाँ पर डिस्काउंट कुछ नहीं दिया, तो शॉपकीपर ने सोल्ड कर दिया 2300 रुपीज़ का। अब बात करें क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या कहा था, फाइंड द रेट ऑफ टैक्स। आप बताओ कि टैक्स कितना था, उसका परसेंटेज। तो आपको यहाँ सबसे पहले तो टैक्स फाइंड करना है रुपीज़ में। टैक्स कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपने ये वाली लिखी थी प्राइस आफ्टर टैक्स है, इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, और ये जो सेलिंग प्राइस निकाली ये प्राइस बिफोर टैक्स है, इसमें टैक्स जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें एडअप नहीं हुआ हुआ टैक्स, तो हम लार्जर में से स्मॉलर माइनस करके बता देंगे कि कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू हमने टैक्स पे करी थी। तो 2576 रुपीज़ टैक्स लगने के बाद की कीमत है, और टैक्स से पहली थी 2300। तो टैक्स में, टैक्स जिसमें जुड़ा हुआ था उसमें से अगर हम बिना जुड़े हुए टैक्स की वैल्यू को माइनस करें तो आपको पता चल जाएगा टैक्स कितना रुपीज़ था, क्योंकि सामान था 2300 का और आपने टैक्स मिलाकर कितने रुपीज़ दिए, 2576। आपने ज़्यादा रुपये दिए, क्यों ज़्यादा दिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टैक्स भी ऐड हो गया था। तो वो जो टैक्स इसमें ऐड हुआ हुआ है वो हम माइनस करके निकाल लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। तो हमने यहाँ इन्हें माइनस करना है, 6-0 6, 7-0 5-3 2, 276 रुपीज़। तो हमें यहाँ पता चल गया कि हमने यहाँ पर टैक्स कितना देना है, 276 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन में बोला था आप टैक्स नहीं बताओ, आप तो रेट ऑफ टैक्स बताओ। तो मान लो रेट ऑफ टैक्स क्या है, एक्स परसेंट। लेट द रेट ऑफ टैक्स इज एक्स परसेंट। अब टैक्स कितना देना पड़ेगा, एक्स परसेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आपने मान लिया कि टैक्स का रेट तो एक्स परसेंट है। तो टैक्स इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको कि टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो एक्स परसेंट ऑफ SP। SP की बात करें, SP है 2300। अब आप इसे परसेंटेज को हटाएंगे, अपॉन में 100 लेंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2300। अब लास्ट की जीरोज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कट कर देंगे हम, तो यहाँ रह जाता है टैक्स में 23x। ये टैक्स की वैल्यू हमने एक्स के टर्म में निकाली। तो टैक्स के नीचे यहाँ लेफ्ट हैंड पे हम टैक्स की वैल्यू रख देंगे जो हमने पहले फाइंड करी थी 276। राइट हैंड पे आपका एक्स वाला आंसर चल रहा है टैक्स का, लेफ्ट हैंड पे टैक्स वाला आंसर रुपीज़ का चल रहा है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 276 डिवाइड बाई 23 करेंगे, तो आपको यहाँ 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 12% यहाँ पर मिल जाएगा आंसर। तो फाइनली जो यहाँ पर फोर्थ का आंसर आया वो भी 12% आया, थर्ड में भी 12 आया था, फोर्थ में भी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, अर्चना बॉट 10 ग्राम ऑफ गोल्ड फॉर 32,376। तो यहाँ पर 10 ग्राम गोल्ड की कॉस्ट बता रखी है और आगे कॉमा लगा के बोला है इंक्लूडिंग 14% टैक्स। तो ये जो है ये पैसे टैक्स जुड़ने के बाद वाले हैं, इंक्लूडिंग टैक्स का मतलब इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये कौन है, प्राइस आफ्टर टैक्स। जब टैक्स जोड़ दिया गया था उसके बाद वाले पैसे जो बने थे वो ये हैं 32,376 रुपीज़।
और टैक्स का परसेंटेज भी दे रखा है, टैक्स कितना है 14%। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि टैक्स हमेशा किस पर लगता है, सेलिंग प्राइस पर लगता है, और अभी तक हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं आई है एसपी के, वो जो गोल्ड था वो कितने का पर सोल्ड करा था वो हमारे पास नहीं है। ये जो पैसे हैं ये वो नहीं है जितने का सोल्ड करा था, इसमें तो सोल्ड करने वाले पैसे भी हैं और साथ में टैक्स भी जुड़ा हुआ है, इसमें तो टैक्स भी एडअप हुआ हुआ है। और सेलिंग प्राइस वो होती है जिसमें जो टैक्स लगने से पहले होती है, बिना टैक्स की वैल्यू। तो टैक्स जो है 14% वो सेलिंग प्राइस पे लगता है और सेलिंग प्राइस हमारे पास है नहीं। वो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम, ये जो फाइंड करने को कहा है ना रेट ऑफ गोल्ड 10 ग्राम, वो वही है आपकी प्राइस बिफोर टैक्स। तो आप क्या लिखेंगे, मान लेते हैं प्राइस बिफोर टैक्स बिना टैक्स के या टैक्स लगने से पहले प्राइस जो थी वो कितनी थी, एक्स रुपीज़ टैक्स लगने से पहले थी। तो प्राइस आफ्टर टैक्स अगर हमें बनानी पड़े, हालांकि हमें पता है कि प्राइस आफ्टर टैक्स कितनी है, इतने रुपीज़, फिर भी अगर हमें बनानी पड़ी प्राइस आफ्टर टैक्स, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें एसपी में ऐड कर देंगे टैक्स को। एसपी का मतलब प्राइस बिफोर टैक्स, एसपी का मतलब हो गया प्राइस बिफोर टैक्स, यानी एक्स में आप ऐड कर दोगे जितना परसेंट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। कितना परसेंट है, 14% किसका, एक्स का। तो हमें यहाँ एक्स प्लस 14% हटा के अपॉन में 100 लेना है इनटू एक्स। और जब आप इन्हें सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर तो एलसीएम तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा 100x प्लस 14x, यानी ये हो गया 114x अपॉन 100। तो हमने यहाँ क्या करा, हमने ये जो प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स दे रखी थी, ये टैक्स लगने के बाद वाली कीमत थी, तो हमने लिख दिया ये कौन सी प्राइस है, प्राइस आफ्टर टैक्स है। फिर अगली लाइन में हमने लिख दिया 14% टैक्स दिया था, तो वो वैल्यू हमने यहाँ मेंशन कर दी। और फाइंड द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम, यहाँ पर जो रेट ऑफ गोल्ड पूछा गया है वो पूछा गया है जो टैक्स लगने से पहले था। तो मान लिया कि प्राइस बिफोर टैक्स जो है सेलिंग प्राइस वो एक्स रुपीज़ है, तो प्राइस आफ्टर टैक्स अगर हम बनाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स था सेलिंग प्राइस उसमें टैक्स को ऐड कर देना पड़ेगा। तो प्लस कर दिया, कितना टैक्स गवर्नमेंट को, कितना टैक्स देना है 14% ऑफ एक्स, जिसमें ऐड कर रहे हैं उसी का 14%। तो इसे सॉल्व करके बन गया 114x अपॉन 100। तो ये क्या आ गया, ये आ गया प्राइस आफ्टर टैक्स जो मैंने एक्स के टर्म में निकाला। और यहाँ पर प्राइस आफ्टर टैक्स एक और दे रखा है, तो वो हम लेफ्ट हैंड पे लिख देंगे 32,376, क्योंकि ये भी प्राइस आफ्टर टैक्स है जो क्वेश्चन में गिवन था, और ये भी प्राइस आफ्टर टैक्स है जो मैंने खुद एक्स के टर्म में फाइंड करा। चीज़ तो एक ही है, बस फर्क इतना है कि ये एक्स के टर्म में है, वो बिना एक्स के टर्म में है, एक्स नहीं आ रहा उसमें। तो अब आप यहाँ एक्स को अकेले बनाएंगे तो ये बनेगा 32,376 डिवाइड 100, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपॉन 114। अब आप 114 को और इसको कट भी कर सकते हैं छोटे टेबल से, या आप डायरेक्ट कम्प्लीटली भी कट कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में ना समझ आए तो आप क्या करें, आप यहाँ छोटे टेबल की हेल्प ले लें, ज़रूरी नहीं कि 114 से आप इसे पूरा कट करें। मैं लेकिन यहाँ पर पूरा कट कर दूंगा, 32,376 को डिवाइड किससे करना है, 114 से, तो ये 284 टाइम पूरा पूरा कट जाएगा। आप एग्ज़ाम में इसे छोटे टेबल से कट कर लें, और इक्वल टू में यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ पर ये दोनों नंबर तो हट गए, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो यहाँ क्या रह गया, एक्स रह गया। तो फाइनली जो एक्स का आंसर आया वो आया 284 और ये 20, 28,400 रुपीज़। तो हम एट लास्ट यहाँ लिख देते हैं रेट ऑफ 10 ग्राम गोल्ड जो हमें फाइंड करना था वो कितना है, 28,400। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला है, द मार्केट प्राइस ऑफ ए मोबाइल इज 45,000। तो हम यहाँ लिखते हैं मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दी है मोबाइल की 45,000, यानी बॉक्स के ऊपर, मोबाइल बॉक्स के ऊपर कितने रुपीज़ लिखे हैं, 45,000। इट इज़ ऑफर्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 7%, शॉपकीपर ने हमें डिस्काउंट भी दिया है 7%।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें मोबाइल 45,000 रुपीज़ से लेस का मिल जाएगा। तो हम पहले फाइंड करते हैं शॉपकीपर ने सोल्ड कितने का करा। एसपी बताएंगे कि मोबाइल 45,000 का तो बॉक्स पे लिखे हुए थे, लेकिन शॉपकीपर ने हमें डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपीज़ का बेचा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में फार्मूलेज यूज़ करे थे, मैंने आपको वीडियो में प्रीवियस वीडियो में सब सिखाया था सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फार्मूला। एस पी इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू एम पी, ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1 माइनस डिस्काउंट 7% है, तो 1 माइनस 7 अपॉन 100 इंटू मार्ट प्राइस। मार्ट प्राइस की बात करें 45,000 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 45,000 आएगा। अब यहाँ स्पेसिंग कम है, मैं थोड़ा सा इरेज करके नीचे लिख देता हूँ इसे। यहाँ 1 माइनस 7 अपॉन 100 इंटू 45,000, तो ये आ गया आपका फार्मूला। अब आप इनमें एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लें तो एलसीएम 100 आएगा और यहाँ न्यूमरेटर में हो जाएगा 100 माइनस 7 इंटू 45,000। नेक्स्ट वर्क है, आप इन्हें माइनस करेंगे 100 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 93 अपॉन 100 इंटू 45,000। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, आप यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, इन्हें कट करें, जितने भी नंबर कट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ जीरोज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, सबसे पहले आप इन्हें कट करें तो ऊपर रह जाता है 93 इंटू 450। तो 93 इंटू 450 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 41,850 रुपीज़। तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, जितने का शॉपकीपर ने क्या करा था डिस्काउंट देने के बाद सोल्ड करा था, ये वो आ गया। अब एसपी आ गया तो आपको टैक्स भी देना है। टैक्स कितना देना है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है टैक्स है 16%, तो मोबाइल ख़रीदते टाइम आपको टैक्स भी देना पड़ेगा 16%। किसका 16%? 16% ऑफ द सेलिंग प्राइस। हमने कितने का ख़रीदा यहाँ पर, एसपी हमने फाइंड करा था 41,850। यहाँ पर आप 45,000 नहीं लेंगे, 45,000 तो मार्ट प्राइस थी, और जो टैक्स होता है टैक्स कभी मार्ट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होता। 45,000 वाली चीज़ आपने कितने की खरीदी, 41,850 की खरीदी, तो आपको टैक्स भी 41,850 रुपीज़ का ही देना है। तो अब आप क्या करेंगे, परसेंट हटा के अपॉन में 100 लेंगे तो 16 अपॉन 100 इंटू 41,850, ये जीरोज़ कट हो जाएंगी। अब आप क्या करें, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, सबसे इजी वे है, आप कट भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है तो आप डिनोमिनेटर के 10 को और 16 को, ऊपर के 16 को कट भी कर सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि आप 10 से पॉइंट लगा दें बाद में, पहले आप न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर लो 16 इंटू 4185। तो जब आप 16 इंटू 4185 करोगे तो आंसर आएगा 66960 अपॉन में 10। अब हम ये ज़ीरो कट कर सकते हैं, तो फाइनली जो टैक्स आया आपका वो कितना आ गया, 6696। तो ये आ गई आपकी टैक्स की वैल्यू। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है इसमें, नेक्स्ट वर्क में आप टैक्स आ गया तो आपको फाइनल अमाउंट फाइंड करना था। क्वेश्चन में बोला था कि आप फाइनल अमाउंट बताओ, तो फाइनल अमाउंट कैसे निकाला जाता है, फाइनल अमाउंट मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था। फाइनल अमाउंट में हमें जो मोबाइल की सेलिंग प्राइस थी वो भी देनी है, प्लस गवर्नमेंट को टैक्स भी जमा करना है। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी, शॉपकीपर ने डिस्काउंट काटने के बाद 41,850 रुपीज़ का दिया था हमें, और हम उसमें टैक्स भी एडअप करेंगे, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो कितना है, 66,696। तो हम इन्हें ऐड करेंगे 41,850 को और 66,696 को, तो ये आ जाएगा 48,546। तो इतने रुपीज़ का हमें मोबाइल मिल जाएगा टैक्स लगने के बाद, तो ये हो गया आपका फाइनल प्राइस। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन भी सेम वे में करना है। 7 क्वेश्चन में आपको बोला मार्ट प्राइस कितनी है, 43। तो हम सबसे पहले एम पी लिखेंगे 43,000 रुपीज़। फिर डिस्काउंट दिया है शॉपकीपर ने कितना, 20%। अब डिस्काउंट लगने के बाद जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो 43,000 से कम बनेगी। फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस डी अपॉन 100 इंटू एम पी, ये फार्मूला लगाएंगे।
तो 1 माइनस डिस्काउंट हो गया 20/100 इंटू एम पी है 43,000, 100 एलसीएम आ जाएगा, तो ये होगा 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई 43,000। अब आप माइनस करेंगे इन्हें, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू 43,000। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ज़ीरो कट करेंगे और 43 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो 43 इंटू 8 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 43 8 जा 344 344। और जो लास्ट की ये ज़ीरो और ये ज़ीरो बची, ये लास्ट में लगा दें, तो ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब जब सेलिंग प्राइस आ गई तो उसके बाद आपको टैक्स भी जमा करना है, तो हम यहाँ टैक्स जमा करेंगे। यहाँ पर मैं आपको इधर निकाल के दिखा देता हूँ, यहाँ मिस्टेक हो रही है। नाउ वी हैव टू पे टैक्स। कितना टैक्स पे करना है? यहाँ पर टैक्स इज़ 13%, तो आपको यहाँ 13% टैक्स देना है। 13% किस पे? टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो सेलिंग प्राइस है 34,400 रुपीज़। तो आप यहाँ 13% हटा के अपॉन में 100 लेंगे इंटू 34,400। लास्ट की ज़ीरो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कैंसिल करेंगे और फाइनली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 344 को 13 से, तो आपको पता चल जाएगा टैक्स कितना जमा करना है। 4,472 रुपीज़। तो इतना रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा। तो फाइनल अमाउंट जो बताना है आपको, वो कैसे बताना है? प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था हमने। फाइनल अमाउंट होता है सेलिंग प्राइस, जो कि कितनी है 34,400, प्लस टैक्स भी देना है। टैक्स कितना है? 4,472। तो आप जब इन्हें ऐड करेंगे 4,472 को और 34,400 को, तो फाइनली मिल जाएगा आपको 38,872 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।